हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने की? मालूम है इसकी सजा क्या है? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही जरा बैठकर देख रहा था कि एसीपी की कुर्सी पर बैठकर कैसा लगता है। बहुत कांटे हैं इस कुर्सी में बॉस, बैठना इतना आसान नहीं है। इस पर बैठने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। खैर, ये क्या है? ये मेरा एक और जबरदस्त क्रिएशन है, और जैसे ही मैंने इसे बनाया मुझे लगा इस बेहतरीन पीस को अपने सबसे अच्छे दोस्त एसीपी को दिया जाना चाहिए। बस भागा चला है, संभाल के। बाकी अच्छा। देखा, मुझे मालूम था तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पर अभिजीत, तुम इतने मायूस मत हो, अगला पीस मैं तुम्हारे लिए बना दूं। नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे तो माफी कर दीजिए। पिछली बार इन्होंने फ्लावर पॉट बना के दिया था, उस पर पानी डालते ही मेरी सारी टेबल खराब हो गई, सारा पानी लीक हो गया सर। तो लीक तो होगा ही, उसमें पानी डालने को किसने कहा था तुमसे? अरे वो कोई फ्लावर पॉट थोड़ी था, वो एक पीस ऑफ आर्ट था। तुम एक अच्छे डिटेक्टिव जरूर हो, लेकिन आर्ट के बारे में तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। मैं चलता हूं। हेलो डॉक्टर साहब। देखो आशा, पूरे ऑफिस में सिर्फ एसीपी साहब को ही एस्थेटिक सेंस है, आर्ट के बारे में सिर्फ उन्हें ही कुछ समझता है। तुम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। यस सर। मैं डॉक्टर साळुंखे के बनाए इन मास्टरपीसेस को ना तो बाहर रख सकता हूं ना घर ले जा सकता हूं, यहां रखता हूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही इसे कहने की कि भैया अब बस कर, किसी और चीज पे ध्यान लगा। पता नहीं किसने काट लिया इसे, धनाधन पॉट्स पे पॉट्स बनाए जा रहा है। नहीं नहीं, एसीपी साहब को बहुत पसंद आया वो पीस। यस यस हाँ, अरे बहुत पसंद आया। अब तो एक काम कर, मुझे ब्लैक पाउडर वाली टेक्निक और सिखा दे। मैं फॉरेंसिक के साथ साथ पॉटरी में भी बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ यार। हाँ या ओके, हाँ मिलते ना। यस यस परसों मिलते। ओके बाय बस बाय। अरे अरे भाई माफ करना, लगी तो नहीं कहीं आपको। अरे जरा देख के चलना चाहिए ना भाई, सामने से गाड़ी आ रही तो रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पहले खुद जाके गाड़ी चलाना सीख क्या, चल जा निकल यहाँ से। देखो ये गलत बात है, एक तो मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगूंगा। माफी तो तेरा पाप भी मांगेगा, समझा? अरे देखो ये गलत बात है, और जो तुमने मुझे ठोक दिया वो सही है। अरे जा 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 गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा तो अपने आपको राजा समझ लेता है, दारू पी के गाड़ी चलाता है। क्या बात कर, चल जा निकल, कपड़ा थोड़ा लेके निकल जा। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा तू? दिखाऊंगा क्या करूंगा, दिखा क्या करूंगा, दिखा क्या करूंगा, दिखा। ये ले जा निकल, चल मैं दिखाता हूँ तुझे। कह दिया ना एक बार, गुस्सा आ गया था अचानक। और क्या, आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। चलो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप बैठो। ओके कम ऑन, कोई जरूरत नहीं है। चेक करने में हर्ज क्या है, ब्लड प्रेशर ही तो चेक कर रहा हूं ना, घबराते क्यों? चलो हाथ आगे करो। देखो सड़क पे ऐसे जगहों में से चुपचाप निकल आना चाहिए। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी धमका सकते हैं। मतलब मैं दुम दबा के वहां से भाग जाता, चुपचाप मुंह नीचा करके निकल जाता। हाँ ये देखो, देखो ब्लड प्रेशर देखो कितना है, 153/118। अब समझे क्यों हुआ झगड़ा? अब थोड़े दिनों के लिए कोई दवाई खा लो। मतलब तुम एक डॉक्टर को बता रहे हो दवाई खा लो? ठीक है भैया, नहीं बोलता, लेकिन देखो यार
In civilian matters, you should not disclose your identity. You have to be discreet. आप बता दिया वहां मैं पुलिस वाला हूं लेकिन आप समझ रहे हो सीआईडी ब्यूरो यस कहां पे गार्वर रोड सेलम सोसाइटी ओके ये ठीक है मैं पहुंच रहा हूं सर गार्वर रोड पे एक आदमी का खून हो गया सिर पे एक फ्लावर पॉट मारा किसी ने फ्लावर पॉट फ्लावर पॉट से खून काफी मजबूत है टूटा नहीं आदमी मर गया मगर ये नहीं टूटा चोट पीछे लगी हुई है बेचारे को तो पता भी नहीं चला होगा या तो आदमी घर में कहीं छिपा होगा या फिर जान पहचान वाला होगा आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे अचानक मौका मिलते ही ये फूलदान सिर पे मार दिया अभिजीत मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच में हुई है 2 से 4 बजे के बीच रात को 2 से 4 बजे के बीच तो शायद चोरी आया होगा फोन करने वाले ने बताया कि दरवाजा खुला था फोन किसने किया था यह कोई बता नहीं रहा था बहुत जल्दी में भागा यहां से वो जाते जाते अपनी उंगलियों के निशान तक नहीं मिटा सके ये देखो ये हाथ का निशान फोन करने के बाद शायद ऐसे देख रहा होगा इस सोडा बोतल पर भी उंगलियों के निशान है और टेलीफोन पर भी है सर ये कांच का टुकड़ा बड़ा अजीब सा है अजीब क्यों जिस चीज का टुकड़ा है वो चीज कहां है बाकी ग्लास के टुकड़े भी तो होने चाहिए वैसे सर ऐसी चीजें सिर्फ आपको ही दिखाई क्यों देती है अब भाई मैंने तो इसे फेंका नहीं यहां पर एनीवे पकड़ो इसे देखे तो सी लाश किसकी है सुधाकर सर जरा पलटो भाई इसे यस सर माय गॉड ये तो वही है वही कौन जिसके साथ कल मेरा झगड़ा हुआ था मैंने इसे कहा था कि मैं इसे देख लूंगा लेकिन इसे इस तरह से देखूंगा कल झगड़ा हुआ और आज ही मर गया वेरी स्ट्रेंज हाँ इट्स रियली स्ट्रेंज एक आदमी से मैं 2 बार मिलता हूं और जब दूसरी बार मिलता हूं तो वो मरा हुआ है ये कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी मेरी कार के सामने आया वो मरी गया मौत अगर लिखी हो वो किसी ना किसी तरह आई जाती है बट आई थिंक इस केस में खूनी को पकड़ना आसान है ये पता लगाना चाहिए कि किन किन लोगों के साथ उसकी दुश्मनी थी उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स घर में मिले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ मिलाने चाहिए अगर मैच हो गए तो खूनी हाजिर मगर पड़ोसियों को उसके दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं मालूम सर भाई एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है इसे ही पकड़ लो आफ्टर ऑल मेरा झगड़ा तो हुआ ही था उससे जोक सपाट डॉक्टर इसका क्या हुआ ये इस कांच के टुकड़े का जो तुम्हें उस घर में मिला था ओ ये पहले तुम इसे एक आम कांच का टुकड़ा समझा था An ordinary piece of glass. लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी के चश्मे का ग्लास है नेगेटिव पावर का दूर का ऐसा लगता है जैसे कांच का वो टुकड़ा वो हमें चैलेंज करने के लिए छोड़ गया है पर सर वो तो अनजाने में छूट गया है अनजाने में सही मगर छोड़ तो गया है दो चीजें छोड़ गया है वो उंगलियों के निशान और कांच का टुकड़ा और सर मर्डर वेपन भी वो पॉट भी छोड़ गया है हाँ पॉट पॉट भी छोड़ गया है हेलो एसीपी प्रद्युमन कौन बोल रहा है क्या बकवास कर रहे हो तुम ये कैसे हो सकता है ये सब बकवास है क्या हुआ सर जो मन में आया बोल रहा है आप कोई दूसरा शौक क्यों नहीं बदल लेते क्या बात करती हो आशा ठीक कह रही है ये सब छोड़ दो और काम की बात करो करो ओ रंजन के खून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है खूनी के बारे में जी जल्दी से उसे बुलवाओ और उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो वो सब करने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए एसीपी साहब आपका ये जो गुरूर है ना कि मैं एसीपी हूं ये आपके दिमाग में चढ़ गया इस गुरूर में इस नशे में आप ये भी भूल गए कि आपने अपने कलीग के फिंगरप्रिंट्स ले डाले हैं आप
अब ये मेरे फिंगरप्रिंट्स, आप इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखें। अगर नहीं मिले ना एसीपी साहब, तो इस नौकरी को गुड बाय। मैं आप लोगों के साथ कभी काम नहीं करूंगा। देखो, काम के बीच में दोस्ती नहीं आती। दोस्ती नहीं आती, ये मत भूलिए बॉस कि आपके आधे से ज्यादा केस मेरी वजह से सॉल्व होते हैं, इन प्रोजेक्टर्स की वजह से सॉल्व होते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स की वजह से। अब मिला करके देख लीजिए कि मेरे फिंगरप्रिंट्स इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं। मिला लीजिए। ये क्या? ये तो मैच हो गए। मैच हो गए? ये कैसे हो गया सालों की? क्या मालूम? मगर हो तो गया है। तुम इस खून में कैसे फंस गए सालों की? मैं कोई फंसा वसा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पागल हो गए तुम लोग? हाँ देखो, तुम इसमें बुरी तरह से फंस गए हो। फिंगरप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। क्रिमिनल केस नंबर 4015, स्टेट वर्सेस डॉक्टर आर पी सालुंके। स्टार्ट प्रोसीडिंग्स योर ऑनर। डॉक्टर सालुंके द मेन अक्यूज्ड इन दिस केस। 4 अप्रैल दोपहर को 3 बजे अपनी गाड़ी से प्रभात रोड पर जा रहे थे। उनकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर लगी। दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ। डॉक्टर सालुंके ने जाकर अपनी गाड़ी से सर्विस पिस्टल निकाली और उस आदमी को थ्रेटन किया। योर ऑनर, ये वही आदमी था जो दूसरे दिन मरा हुआ पाया गया। ये वो घर के फोटोग्राफ्स हैं जहां बॉडी मिली, और वहां एक मर्डर वेपन भी मिला है, ये फ्लावर वास, और इस पे डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान है। और वहां कमरे में एक सोडा की बोतल भी मिली, इस पे भी डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान है। इसके अलावा घर की दीवार पर और टेलीफोन पर, दोनों पर डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान है। इसका मतलब है डॉक्टर सालुंके उस घर में गए थे और ये खून डॉक्टर सालुंके ने ही किया है। परितोष जी, आप जानते हैं डॉक्टर सालुंके कौन है? जी, पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट है सर। आपने ये केस सोच समझ के तैयार किया है ना? सर, मुझे पता है कि मामला बहुत नाजुक है। मैं अपना पहला गवाह पेश करना चाहता हूँ, सोलन महादेव गंभीर। बताओ उस दिन क्या हुआ था? साहब, ये आदमी पहले टक्कर मारा, बाद में बाहर निकल के बोला मेरे से पंगा नहीं लेने का है, मैं पुलिस वाला है। साहब, बाद में गाड़ी में से इतना बड़ा बंदूक निकाल लिया। साहब, तुम जा सकते हो। जी, 4 और गवाह भी हैं सर जिन्होंने ये झगड़ा देखा है, लेकिन मैं उन्हें बाद में पेश करूंगा। क्यों, आपको डर है कहीं वो बाद में बदल न जाए? नहीं योर ऑनर, वो सब भी यही बात बोलने वाले हैं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े आदमी को यहां बुलाया है, वो एक महत्वपूर्ण गवाह है। बुलवाओ ने? सर, मेरा अगला गवाह इस देश की एक जानी मानी हस्ती है, एक जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उन्होंने अपने बेहतरीन काम से करीब 15 लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है, 30 लोगों को आजीवन कारावास दिलवाई है और कितने लोगों को जेल भिजवाया है इसकी कोई गिनती ही नहीं। पर वो है कहां आपके एक्सपर्ट? वो यही है सर, इसी कोर्ट में। यहां? हाँ, मेरा अगला गवाह है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके। सालुंके, प्लीज यहां आइए। डॉक्टर सालुंके, क्या आपके उंगलियों के निशान और मर्डर वेपन पर पाए गए उंगलियों के निशान मैच होते? जी। मतलब वो एक जैसे हैं? जी, बिल्कुल एक जैसे। क्या 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। क्या कभी किसी आदमी के उंगलियों के निशान ऐसी जगह पर लगाए जा सकते हैं जहां वो कभी गया ना हो? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा केस आपने खुद सॉल्व किया होता जिसमें एक आदमी के उंगलियों के निशान कमरे में 4 चीजों पर पाए जाते हैं और उसमें एक मर्डर वेपन भी है,
तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? डॉक्टर सालुंके, कोर्ट आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो मैं कहता कि ये खून शायद उसी आदमी ने किया है। इस केस में वो आदमी आप हैं, मतलब खून आप ही ने किया है। शायद ये खून मैंने ही किया। तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है डॉक्टर, पूरी तरह से फंस गए तुम इसमें। लेकिन बॉस फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलते। मतलब वाकई तुम्हीं ने ये खून किया है? ये मैंने नहीं किया। मतलब फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ यार, मगर मैं ये बात कोर्ट में कैसे बोल सकता था? मैं डॉक्टर सालुंके, एक माना हुआ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अगर कोर्ट में ये बात बोल देता कि फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल सकते हैं तो चारों तरफ आग लग जाती, हजारों क्रिमिनल्स जेल से छूट जाएंगे बॉस। जिस चीज पर पूरा क्राइम डिटेक्शन टिका हुआ है वही अगर टूट जाएगी तो बचेगा क्या? इसलिए आज मैंने कोर्ट में अपने आप की कुर्बानी दे दी। देखो, अब शहीदों की तरह बात करने से कोई फायदा नहीं है। वहां बाहर कोई तुमसे ज्यादा होशियार आदमी घूम रहा है, जिसने तुम्हें फंसाया है उसे ढूंढो। तुम शराब पीते हो? कभी कभी। कितनी? यू नो इट यार, मुझे पीने की आदत नहीं है। फिर भी एक दो पैक। जरा याद करने की कोशिश करो यार कि पिछले दिनों कभी तुम पी के आउट हो गए थे? नहीं। कहीं होटल में बैठ के पी? नहीं यार। किसी दोस्त के साथ? नहीं। किसी दोस्त के घर? नहीं। जरा सोचो यार डॉक्टर, सोचो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला के तुम्हें आउट कर दिया, फिर तुम्हें वहां ले जाया गया उस घर में, वहां तुम्हारे हाथों के प्रिंट सारे घर में लगा दिए गए और फिर तुम्हें घर छोड़ा गया। ये हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ यार, लेकिन मुझे याद नहीं है कभी मैं पी करके आउट हुआ था। अच्छा, तुम उस बिल्डिंग में कभी गए किसी काम से? मेरा वहां क्या काम है? तो फिर ये सब कैसे हुआ यार? डॉक्टर साहब, जिस आदमी ने भी ये स्कीम बनाई है उसके दिल में आपके लिए जबरदस्त नफरत भरी होगी। हाँ, एक आदमी का जानबूझकर मेरी कार के सामने आ जाना, मुझसे झगड़ा करना और फिर उसी का खून हो जाना, और किसी आदमी का हमें फोन करना कि डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट चेक करो, ये एक साजिश है। हाँ सर, डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट्स लेने की बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अभिजीत, तुम ऐसा करो, एक उन सारे गुनहगारों की लिस्ट बनाओ जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और जिन्हें डॉक्टर सालुंके ने जेल भिजवाया था। दो, तुम आशा और दया वापस उस घर में जाओ जहां खून हुआ था और हर एक चीज को बारीकी से फिर से देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। और एक कांच का टुकड़ा, ये कांच का टुकड़ा डॉक्टर साहब जो आपने उस दिन उठाया था, ये कांच का टुकड़ा यही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। असर, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मरने वाला तो चश्मा पहनता नहीं था। तो शायद खून करने वाला चश्मा पहनता होगा, हाथापाई में चश्मा टूट गया और ये उसी के ग्लास का टुकड़ा है। इसको फोन करके बता दो कि इनका ऑर्डर। कहिए, क्या हाल है? आपकी थोड़ी मदद चाहिए। इस बार तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा ही उठा ला है। इसकी पावर कितनी है ये बताइए जरा। अभी बताता हूँ, इधर चेक करना, ध्यान से देखो कौन सा। इसकी पावर है -5.25, सिलेंड्रिकल है 0.5 और एक्सेस है 160 डिग्री। इस आदमी को दूर की चीजें साफ साफ नजर नहीं आती और क्योंकि इसका चश्मा टूट गया है तो उसे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ेगा। हाँ, और ऐसी पावर का चश्मा हर रोज नहीं बनता, इसके बारे में पता चल सकता है। सब ऑप्टिशियन के पास जाके पूछेंगे तो पता चल जाएगा। इस शहर में करीब 1500 ऑप्टिशियन है सर, कहाँ कहाँ पता लगाएंगे? 1500 ऑप्टिशियंस हैं तो ऑफिसर्स और कांस्टेबल भी 40,000 हैं। वो हर एक ऑप्टिशियंस के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। I repeat, they have to check each and every optician in their area.
they should be on the lookout for a person who has glasses made of the power minus 5.25, cylindrical 0.5 and axis 160 degrees. नगरकर साहब, ये चार लोग हैं जो हाल में ही जेल से छूटे हैं। इनकी आंखें टेस्ट करके बताओ कि इनमें से किसकी आंख का पावर माइनस 5.25 है। ठीक है, लेके आइए एक एक करके। सुधाकर, पहले कांगला को लेके आओ। कांगला, अनिल कांगला, मगिंग, रॉबरी और मर्डर असॉल्ट में 7 साल। डॉक्टर सालुंके ने डीएनए टेस्टिंग से इसे सजा दिलवाई। ठुड्डी यहां रखो। सिर्फ 1.75 पावर माइनस 5.25 सिलिंड्रिकल 0.5 एंड एक्सिस 160 डिग्री। जरा जल्दी बताओ साहब, आपके यहां से किसी ने ऐसा चश्मा बनवाया? रविंद्र चाकू। चलो। मर्डर से सॉल्ट 9 साल की जेल। डॉक्टर सालुंके ने मरने वाले के कपड़ों से इसकी उंगलियों के निशान उठाए थे। इधर रखो, नीचे। हाँ, बाकी बॉडी को लो। 0.5। ये भी 5.25 नहीं है। मिल गया? हाँ मिल गया साहब, हमारी ट्रेनिंग हुई है जिंदगी में डायरी बराबर लिखना। हाँ बोलो, उस आदमी का नाम जिसने यहाँ चश्मा बनवाया? ये आदमी नहीं, औरत है। औरत है? अच्छा, नाम बोलो। शांता कुमारी। शांता कुमारी। उसके बाप का नाम? किसी के बाप का नाम थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे। अरे बाप का नाम डायरी में लिखना बहुत जरूरी है साहब। अच्छा पता? 145 मनोहर चाल, कांदरवाड़ी। आपका नाम? किशोरी लाल। किशोरी लाल। आपके बाप का नाम? अरे बाप। जी हाँ, मेरा ही नाम शांता कुमारी है। अरे चश्मा बनाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? नहीं, बात तो बड़ी नहीं हुई, बात छोटी सी है। वो ये कि आपके चश्मे का नंबर माइनस 5.25 है और साथ में सिलिंड्रिकल एक्सिस 160 डिग्रीज भी है। वो आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए। अरे बुढ़ापे में यही सब कुछ तो होगा ना। अच्छा, आपका चश्मा टूटा कैसे? टूटा कैसे? वो गिर गया। कैसे? कैसे? वो हाथ से गिर गया। कहाँ? यहाँ पे? अरे यही पर, यहाँ नहीं तो कहाँ? मैं कहीं बाहर आती जाती तो नहीं हूँ। तो फिर वो लेंस का टुकड़ा वहाँ कैसे आया? कौन है माँ? बाहर कौन है? ये अंदर कौन है? अरे उसने कुछ नहीं किया है, मेरा बेटा है वो। सर उसे बाहर बुलाएंगे। उसने कुछ नहीं किया, अब क्या किया है उसने? देखिए, हमने आपसे कुछ बोला नहीं। कौन है माँ? अरे उसने कुछ नहीं किया, आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, 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 अरे रुक जाओ। पिछली बार भी वो आपको कुछ नहीं मिला, क्या किया है आपने मुझे पकड़कर? मेरी आंखों का टेस्ट करवाया और क्या? चाहिए तो फिर से करवा लो। ना ना बेटा, इस बार हम तुम्हारी आंखों का टेस्ट नहीं करवाएंगे। वो जो होना था सो हो गया। इस बार 40,000 पुलिस वालों ने दिन रात लग के इस टूटे हुए कांच के मालिक को ढूंढा है। क्या ढूंढा है? तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था मेरे घर में घुसने का, बस। तुम्हारी मां का चश्मा टूट गया था, है ना? वो वहां पे टूटा, रंजन के घर पे, जब तुम उसका खून कर रहे थे, तुम्हारी जेब से गिर के टूटा वो चश्मा। ये क्या दास्तान है? मैं चश्मा लेके घर पहुंचा तो घर की सीढ़ियों से पैर फिसला, मैं गिर गया और चश्मा टूट गया। आपको कैसे मालूम कि ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे माँ के चश्मे का ही है? सुना है सीआईडी ने किसी आदमी को पकड़ा है और उससे कोई कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे। कांच का टुकड़ा? अरे यहाँ इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मर्डर स्पॉट पर, और वहां कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे हैं। अरे कोई कांच के टुकड़े से फिंगरप्रिंट्स कुरेदे तो नहीं जा सकते? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स वहां है। ये बात तो सच है कि उन फिंगरप्रिंट्स के सामने इस कांच के टुकड़े का टिकना मुश्किल है, और ये बात भी साबित करना मुश्किल है कि यह कांच का टुकड़ा रविंदर की माँ के चश्मे का है। सर ऑफिस आ रहा था तो सामने अचानक डॉक्टर सालुंके का बनाया हुआ यह पॉट दिख गया।
मैंने सोचा इसे ऑफिस में रख देता हूँ। ये वही पॉट है सर, इसमें से पानी लीक हुआ था। पहले जब इन्हें देखते थे तो हंसी आती थी, मगर आज आंखें भरा। ओह माय गॉड, अरे ये तो सब टूट गए। अब इन्हें रखने के बजाय फेंकने पड़ेंगे। बेचारा इतनी मेहनत से बनाता था। एक मिनट अभिषेक, डॉक्टर सालुन के अपने टूटे हुए पॉट्स कहाँ फेंकता था? क्यों सर? नहीं, एक बात ध्यान में आई है। चलो चलो, लेट्स गो, चलो। अरे आज आपको मेरे पॉट्स कैसे याद आ गए? सबके सब चले आए, एक और पॉट चाहिए। देखो दोस्त, तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा सामान बाजू में रख दो और काम की बात करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, कैसे हुआ ये मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। तो फिर यहां कैसे चले आए? एक मिनट। यस। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे ये पॉट्स, ये मिट्टी खराब होती है तो तुम इन्हें फेंक देते हो या यहीं पड़े रहने देते हो? नहीं, जब ज्यादा हो जाता है तो फेंक देता हूं। कहां पे? मैं बैग में भर के बाहर रख देता हूं। वॉचमैन आता है, बिल्डिंग के पीछे गार्बेज डंप है, वहां फेंक देता है। लगता है इस रविंद्र को तुम्हारा कचरा पसंद आया है। सर ये है यहां का वॉचमैन। नमस्ते साहब। वॉचमैन बताओ, इस गैराज को किसने खोला था डॉक्टर साहब के अलावा? नहीं साहब, कभी नहीं, मैं तो यहीं बाहर ही बैठा रहता हूँ साहब। इस आदमी को कभी देखा है? हाँ साहब, ये आदमी देखा देखा सा लगता है। गुड, अब आए ना लाइन पे। कहाँ देखा था इसे? ये है वो जगह जहाँ हमारी बिल्डिंग का कचरा आता है। आसपास के बिल्डिंग वाले भी यहीं कचरा फेंकते हैं। ये है वो जगह जहाँ डॉक्टर सारुंके का टूटा फूटा मिट्टी का सामान और पॉट्स फेंके जाते हैं। अब यहाँ इस कचरे से कैसे बात करें कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है? तो वहाँ पे एक पान वाला है। सुना भाई। जी साहब। वो जो सामने कचरा, उसके बारे में कुछ पूछना था। क्यों साहब, कचरा आपको खरीदना है क्या? अगर खरीदना है तो कॉर्पोरेशन वाले से बात कीजिए। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, बात बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, यहाँ इस कचरे के आसपास किसी को देखा तुमने कभी? नहीं साहब, वो कचरे वाली जो गाड़ी आती है ना। हाँ बस। उसके अलावा कौन आएगा साहब? कचरा थोड़ी कोई चुरा के ले जाएगा। नहीं फिर भी, और किसी को देखा तुमने? और फिर भी नहीं साहब, वो रात में एक दो कचरे वाले आते हैं, बस उसके अलावा मैं नहीं देखा कुछ। रात को आते हैं? ओ, रात को जो आते हैं ना, थैला लटकाए हुए। रात को। जी शुक्रिया। जी साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हम गरीब है साहब, कभी कभी रात में आकर के यहाँ प्लास्टिक की बोतल वगैरह चुन लेते हैं, बस और कुछ नहीं साहब। अरे हम लोग वो नहीं पूछ रहे। देखो ध्यान से जवाब दो, तुम लोगों के अलावा यहाँ रात में और कोई भी आता है कचरा उठाने के लिए? हम लोगों के अलावा साहब कोई? हाँ साहब, एक आध हफ्ते पहले मैंने एक आदमी को देखा था वहाँ कचरा ढूंढते। ये था क्या? हाँ मैम साहब, यही था वो साहब, यही था वो जो उस दिन यहाँ कचरा ढूंढ रहा। ये रविंदर है जो ये सब कर रहा है। अच्छा तो काफी कुछ चल रहा है। क्यों बे, जब तूने ये जगह दिलवाई रविंदर को तब तुझे पता नहीं था वो क्या करने वाला है यहाँ? साहब वो बोला बस एक महीने के लिए चाहिए, लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, मेरे पास जगह थी तो दे दी,
ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है, सब डॉक्टर सालुन के कफे का वो सामान है। ये देखो मिट्टी, ये टूटे हुए पॉट्स, ये ग्लव्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तुम आज यहाँ कैसे? डॉक्टर सालुंके का केस तो कल है। हम एक दूसरे केस में एविडेंस देने के लिए आए। कौन सा केस? वो दरिंदा वाला। ओह, इतने सारे एविडेंस, मैं देखूं? या प्लीज। वो तुमने पकड़ के रखा था। ये क्या है? ये आरडीएक्स जैसा एक सब्सटेंस है। ओह, फट तो नहीं जाएगा ना? नहीं, आज नहीं। ओके, तो मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। सर अब होमवर्क करके आना। होमवर्क तो हो ही गया। सर इस केस में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक तरफ डॉक्टर सारुंखे हैं, जिन पर खून का इल्जाम है, और दूसरी तरफ पारितोष जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक दूसरे ही मर्डर केस की इंक्वायरी के बीच में हमें पारितोष जी के बारे में कुछ पता लगा, जिससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या पता लग गया आपको? कहीं मेरी कुछ फोटोज तो नहीं मिल गई आपको? सर हमें यह पता लगा है कि ये खून पारितोष जी ने किया। ऑर्डर, ऑर्डर। एसीपी प्रद्युमन, आप क्या कह रहे हैं आप समझते हैं ना? सर मैं अपने पूरे होश हवास में। सर ये देखिए, ये गन जिससे खून हुआ, ये हमें उसी होटल में मिली जहां पे खून हुआ है। लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है? संबंध है, इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। जी हाँ सर, उसी होटल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें पारितोष जी मौजूद थे। ये वही होटल में थे, लेक्चर दे रहे थे। कहिए 12 तारीख को आप निखराना होटल में थे या नहीं? था। देखा? वहां जिस ग्लास में इन्होंने पानी पिया, उस ग्लास पे जो उंगलियों के निशान थे, वो इस गन के निशान से हमने मिलाए और वो मैच हो गए। आपको कैसे पता चला कि लाखों लोगों में से मेरे ही उंगलियों के निशान इस गन पर हैं? मिलोर्ड, ऐसे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर सालुंके को बचाने के लिए सीआईडी न जाने कहीं से मनगढ़ंत कहानी इस कोर्ट में लेकर आई है, और पता नहीं ये गन भी कहां से उठा लाए। मैंने आज तक किसी गन को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है और हुआ है। सर अगर आप चाहें तो किसी इंडिपेंडेंट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से ये प्रिंट्स चेक करवाएं और यहां सबके सामने पारितोष जी की उंगलियों के निशान लिए जाएं, ताकि बाद में किसी को शक न हो। और सर ये गन मैं कोर्ट की कस्टडी में देता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो पारितोष जी के उंगलियों के निशान लिए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आ जाओ। ठीक है, आपकी फिंगरप्रिंट लेंगे। सर हाजिर आगे के लिए। लॉर्ड, मेरे एसीपी दोस्त को मजाक करना आता है, ये मुझे आज ही पता चला। लेकिन इतना भद्दा मजाक करेंगे, नॉलेज इज शॉकिंग। सो प्लीज इसमें आते। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाए। सबूत इतना सॉलिड है कि पारितोष जी का मुंह खुला का खुला ही रहेगा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था सर कि उनके ऊपर एक खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। पर सर ये फिंगरप्रिंट्स किसके पास भेजी जाएंगे? शायद डॉक्टर नाडकर्णी के पास। देखते हैं डॉक्टर नाडकर्णी कल कोर्ट में क्या कहते हैं। मिलॉर्ड, आई एम डॉक्टर नाडकर्णी, आई एम ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। क्या आप फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लाए हैं? यस सर। तो ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट क्या कहती है?
ये कि सर कल कोर्ट में जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो गन के ऊपर पाए गए फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, अ परफेक्ट मैच। थैंक यू मिस्टर नाटकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस लॉर्ड। एसीपी प्रद्युमन आप यहां आइए। एसीपी प्रद्युमन आपकी तहकीकात पूरी हो गई है? यस माय लॉर्ड। क्या रिजल्ट क्या निकला है? परितोष जी को फंसाया गया है सर। यही तो मैं कह रहा था मी लॉर्ड, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है। जिस तरह से डॉक्टर फारूक ठीक है उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया। आज तो आपने हद कर दी एसीपी प्रद्युमन, कहीं ये ड्रामा आपको भारी ना पड़ जाए। माय लॉर्ड, कोर्ट का अपमान मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता, ये बात बताने का कोई और रास्ता नहीं था सर। पर ये किया कैसे? सर कल कोर्ट के कॉरिडोर में हम परितोष जी से टकराए। हमारे पास में एक ट्रे थी जिसमें काफी सामान था। जब परितोष जी ने एक क्ले का बॉल हाथ में उठाया तो उनकी सब उंगलियों के प्रिंट्स हमें मिल गए। उस प्रिंट पे एक सॉल्यूशन डाला तो जैसे फिंगरप्रिंट्स इनके हाथ के हैं वो एक एक करके हमें मिल गए। फिर वो प्रिंट एक ग्लव पे चिपकाए गए। बस हो गया इनका हाथ तैयार। फिर वो निशान गन पे और ग्लास पे लगा दिए। ऐसा ही डॉक्टर साळुंखे के साथ हुआ सर। एक रविंद्र नाम के आदमी ने उनसे बदला लिया। हाँ, मैंने बदला लिया है। साळुंखे ने मुझे सजा दिलवाई। मैं उसे सजा देना चाहता था। देखा चेहरा कैसा हो गया था कोर्ट में उसका। अब किसी को जेल नहीं भेजेगा वो। गलत, अब भी वो यही काम करेंगे। तुम जैसे गिदड़ों से अगर वो डरने लगे ना तो हर पुलिस वाले को घर में छुप के बैठना पड़ेगा। फिर भी ये आइडिया आया कहां से, ये नकली फिंगरप्रिंट्स का? जेल में पढ़ा लिखा मुझे ने मिला था, उसी ने मुझे सिखाया। और उस आदमी को कितने पैसे दिए थे जो डॉक्टर साळुंखे की गाड़ी के सामने आया था? 1000 रुपए। फिर उसी को ही मार दिया सिर्फ डॉक्टर साळुंखे से बदला लेने के लिए? जान ले ली उसकी? एक मासूम आदमी का खून करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट डॉक्टर साळुंखे को बाइज्जत बरी करती है। थैंक्स मी लॉर्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन दोस्त। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।